पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर की भी आशंका जताई जाने लगी है। गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ग्रुप भी सामने आ गया है। बम्बीहा ग्रुप ने इसका बदला लेने की धमकी दी है। इसको देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक जेलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिश्नोई गैंग समेत अन्य गैंग के सदस्यों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पंजाब की जेलों में बिश्नोई गैंग के कैदियों को अलग कर दिया गया है। जहाँ जहाँ इस गैंग के मेंबर हैं वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बम्बीहा गैंग के मेंबर भी जेलों में बंद हैं, जिन्हें भी अलग कर दिया गया है। दोनों गैंग आपस में ना भिड़ें, इसको लेकर सभी जेलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर नीरज बामनिया, टिल्लू ताजपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई, काला जखेड़ी, गोल्डी बरार गैंग के बंद गुर्गों पर खास नजर रखी जा रही है। डीजी तिहाड़ का कहना है कि हत्या के बाद दिल्ली की जेलों में आपस में इन गैंगस्टर के बीच हिंसा ना हो, इसके लिए भी गैंग्स के गुर्गों को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला पर रविवार 29 मई को मानसा के जवाहरपुर गांव में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें मूसेवाला और उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई थी।